वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोचिंग भारती। आज हम क्लास 6 का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको थोड़ा अच्छे से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अगर तो जैसे अगर स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन से, तो जितने भी हमने देखे होंगे हमारे पास शेप्स होते हैं अब हमारे आसपास, वो सब या तो कर्व से मिलके बने होते हैं। कर्व जैसे हम सब जानते ही है, कर्व हमारे पास ओपन कर्व थे, क्लोज कर्व थे, कोई शेप कैसी भी हो सकती है, तो उसी को हमने कर्व से बोला। या फिर कोई भी शेप हमारी जरूरी नहीं है, कर्व के साथ साथ वो लाइन भी हो सकती है, ठीक है, वो 3D शेप भी हो सकती है और 2D शेप भी हो सकती है। तो यही चैप्टर में हमने पढ़ना है कि जितनी भी शेप्स होती है हमारे आसपास वो कर्व्स और लाइन से मिलके बनी होती है। उसके कुछ कॉर्नर्स भी होते हैं, उसके प्लेन्स भी होते हैं, ओपन कर्व भी होते हैं और क्लोज कर्व जैसे हमने डिस्कस किया हमारे आसपास, ठीक है। और कहीं कहीं पर तो क्या होता है, जैसे हम कुछ भी शेप्स देखते हैं वहां पर वो लाइन सेगमेंट, हम इन सबको डिटेल में पढ़ने वाले, लाइन सेगमेंट भी बने रहते हैं, एंगल्स भी फॉर्म होते हैं, कहीं कहीं पर तो ट्राइंगल्स जैसे भी बन जाते हैं, पॉलीगन्स और सर्कल्स, ठीक है ना। मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइज के मेजर हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, उनका मेजरमेंट कितना भी हो सकता है, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। और तो और हम जैसे कोई भी शेप हमारे पास बनेगी उसका हम कंपैरिजन देखेंगे कि कौन सी कितनी बड़ी शेप है और कौन सा कितना छोटा शेप है, ये सब हम उसमें कंपेयर कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। फिर देखते हैं इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। फिर अगर मैं बात करूँ इसका मेजरिंग ऑफ लाइन सेगमेंट की, मेजरिंग ऑफ लाइन सेगमेंट में क्या होता है, हमारे पास लाइन सेगमेंट, सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट होता क्या है। एज वी हैव डन इन द प्रीवियस चैप्टर की जो लाइन सेगमेंट होता है इसके पास कितने एंड होते हैं, टू हैव टू एंड पॉइंट, इसके हमारे टू एंड पॉइंट्स होते हैं, हैव टू एंड पॉइंट्स, है ना। उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास कोई लाइन है और इसके स्टार्टिंग पॉइंट भी हमारे पास है और एंडिंग पॉइंट भी हमारे पास है। तो यही हमारे पास क्या होता है, लाइन सेगमेंट। किसी भी लाइन सेगमेंट को लिखने से पहले उसके, जैसे हमने ए बी लिखा, ए बी के ऊपर एक लाइन बनानी पड़ती है जिसको हम बार से डिनोट करते हैं, बार, ये बार बोलते हैं, इसको लिखते नहीं है पर इसको हम सिंपल ऐसे लिखते हैं, ए बी के ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अगर हम इनका मेजरिंग करें, मेजरिंग होगा तो ऑब्वियसली वहां पर उनका कंपैरिजन होगा, और जब कंपैरिजन की बात आती है तो कंपैरिजन हम किस तरीके से करेंगे ये हमें सीखना है। तो देखो, सपोज करो हमने आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी कॉपी में जितना बेसिकली आपको नोट कर देना है वो कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, हम अपनी ऑब्जर्वेशन से बताएंगे कि जो लाइन सेगमेंट है वो कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है, ठीक है ना। ठीक है, तो जैसे सपोज करो हमारे पास दो लाइन है, अब हमने ना दो लाइन ड्रॉ कर ली, जैसे हमें नहीं पता उनका मेजरमेंट कितना है, वी डोंट नो, जस्ट आपको अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है। सपोज करो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, जैसे इसका नाम मैंने रखा ए बी, सिंपल, और दूसरी लाइन आपने अपने जजमेंट से ड्रॉ कर दी जिसका नाम रख दिया आपने ई एफ, कुछ भी रख सकते हो आप, नेमिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद जब आपने इनको स्केल से मेजर किया, जब आप ए बी को और ई एफ को जब आप मेजर करोगे तो आप बताओगे कि कौन से लाइन का ज्यादा मेजरमेंट है, तो आप इस तरीके से इनका कंपैरिजन कर सकते हो। हमने सपोज करो ए बी को आपने जब स्केल से मेजर करना है, इसकी हेल्प से आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें स्केल होगा, स्केल से आपको इसको मेजर करना है ए बी। सपोज करो ए बी आपकी हाइट 5 सेंटीमीटर और ये हमारे पास सपोज करो 2 सेंटीमीटर है, जो भी आपके मेजरमेंट आएगा वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी ग्रेटर है, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं कि जो ए बी है ये हमने बताया कि ये ई एफ से क्या है, ग्रेटर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका कंपैरिजन कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम आगे थोड़ा सा इसमें कंटिन्यू करें, तो इसमें हमारे पास बोला कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, है ना। कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग में क्या होता है, हम क्या करते हैं, दो लाइन ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ कर ली, सपोज करो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली सिंपल ए बी, फिर हमने क्या करना है, हमारे पास एक ट्रेसिंग पेपर होता है, आपको मिल जाएगा ये स्टेशनरी शॉप से, आप ट्रेसिंग पेपर ला सकते हो। फिर उस लाइन को आपको क्या करना है, उस ट्रेसिंग पेपर के ऊपर से इसको ट्रेस करके दूसरी तरफ लाइन बना देनी है, ठीक है ना। तो ट्रेसिंग ट्रेसिंग पेपर की जो, जैसे सपोज करो हमने एक ट्रेस ए बी एक लाइन ड्रॉ करी, सपोज करो इफ वी हैव अ लाइन ए बी, हमने लाइन ड्रॉ करा
फिर जब आपने इसको ट्रेस करके दूसरी जगह बनाओगे तो ए बी का मेजरमेंट बिल्कुल सेम उसके जैसा ही होगा, क्योंकि हमने ट्रेसिंग किया है। ट्रेसिंग मतलब सेम उसी के जैसा हमने उसको ड्रॉ किया है, ठीक है ना। तो ट्रेसिंग में कोई ज्यादा उनके डिफरेंस नहीं आता, बिल्कुल सेम ही आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फिर हम आगे की तरफ, इसमें कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर में, यहाँ तक होपफुली आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ कंपैरिजन बाय यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर, है ना, रूलर और डिवाइडर हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स में होते हैं। अगर डिवाइडर की बात करें तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, डिवाइडर है, और ये क्या है हमारे पास, रूलर, जिसको हम अपनी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में स्केल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन करना है, अब आपने क्या करना है, इसको सिंपली वे में अगर मैं आपको बता दूं तो आपको इसमें जो हमारे पास ये स्केल है, ये इसमें आप देख ही पा रहे हो, हमारे पास इसमें छोटे छोटे ये देख रहे हो, ये हमारे इसमें 10 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारे पास यहाँ पे 10, ये छोटा सा, मैं 5 से और 6 के बीच में अगर आप जाओगे तो हमारे बीच, इसके बीच में 10 mm आते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। और इसी को हम 1 सेंटीमीटर में हम इसलिए बोलते हैं कि हमारे पास 10 mm होते हैं, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर मतलब 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर हुआ, ऐसे ही 5 से लेके 6 के बीच में भी 1 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें आगे की तरफ कंटिन्यू कर सकते हो। तो 1 सेंटीमीटर में हमेशा ध्यान रखना है 10 mm ही होगा, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में जब हमारे पास 10 mm हो जाएगा तो हम, ये तो हमारी समझ में आ ही गया कि स्केल और रूलर का क्या यूज है। फिर उसके बाद जब इसमें बोला ना कि कंपैरिजन करना है रूलर और कंपास से, आपको क्या करना है, सिंपल रूलर की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर देना है। जब आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, सपोज करो आपने एक अपनी लाइन ड्रॉ करने का मतलब यह है कि आप कुछ भी डिस्टेंस ले सकते हो, उसमें आप फ्रिक्वेंटली आपने ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद उसमें आपने करना है। तो उसमें कैसे करना है, देखो जैसे सपोज करो आपने रूलर से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब हमें नहीं पता ये कितना है, तो आपने क्या करना है, डिवाइडर जैसे नीचे की तरफ ये रखा हुआ है, इसका एक कॉर्नर आपने यहाँ पे लगा देना है, एक इसका एंड, फिर इसको आप थोड़ा सा ओपन करोगे इसके मिड से, इसका हैंडल है ये ऊपर का, इसको पकड़ के रखना है, और इसको जब दूसरी तरफ आप ओपन करोगे तो दूसरा कॉर्नर आपको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है ना। मतलब एक इसका कॉर्नर यहाँ पर, फिर आपको इसको अपने रूलर को उठा के ना, इसके इसका जो ये वाला फर्स्ट एंड है, ये फर्स्ट एंड हुआ इसका, और ये इसका सेकेंड एंड हुआ, ठीक है ना। दो ही एंड होते हैं, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। तो इस वाले कॉर्नर को, मतलब जैसे इसमें डिवाइडर में आप देख भी पा रहे हो, इसका फर्स्ट एंड आप इसके 0 पे रखना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे, और जो दूसरा है आपकी लाइन का जो डिस्टेंस आया होगा, जो लाइन में आपने मेजर किया होगा, उसको छेड़ना नहीं है ज्यादा, उसमें आपको क्या करना है, एज इट इज उठा के अपने स्केल पे देखना है कि उनके बीच की दूसरे वाला जो पॉइंट है वो कौन सी पोजिशन पे आ रहा है। सपोज करो जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, उसका 10 पर आया, आपका 9.2, 9.5, 9.6 कुछ भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, वो आपकी लाइन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हो, कंपैरिजन रूलर का और इससे डिवाइडर का, ठीक है ना। तो होपफुली आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा ये। फिर हम थोड़ा सा आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। इसमें आप बेसिकली तो ये जरूर ध्यान रखना है कि 1 सेंटीमीटर में हमारे पास 10 mm होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इसमें थोड़ा सा आगे चले तो इसमें हमारे पास एक्सरसाइज हो जाती है ये 5.1। 5.1 हम स्टार्ट करते हैं। तो जब हम एनसीईआरटी की बात करें तो इसमें हमारे पास 5.1 एक्सरसाइज है, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप की। तो एक्सरसाइज 5.1 में जो हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें हमें बोला व्हाट इज द डिसएडवांटेज, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, पेज नंबर 88 पर है, पेज नंबर 88 एनसीईआरटी की बुक बुक ओपन करना, उसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा व्हाट इज द डिसएडवांटेज। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेरी ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। मेरी ऑब्जर्वेशन मतलब एक रेस्ट्रिक्शन है कि आपको अपने ओन सेंस से बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आप लिखोगे, डिसएडवांटेज व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेरी ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, वी कैन नॉट एब्सोल्युटली श्योर, हम श्योर नहीं होते कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। हम बेसिकली बोल सकते हैं कि वी कैन कंपेयर, ऐसे लिख सकते हो आप इसका, वी कैन कंपेयर टू लाइन सेगमेंट, वी कैन कंपेयर टू लाइन सेगमेंट ऑफ ऑलमोस्ट सेम लेंथ, हम दोनों को सेम लेंथ का क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना,
बट वी कैन नॉट श्योर, बट वी कैन नॉट, यहाँ पे बट लिख देना, बट वी कैन नॉट श्योर अबाउट द लाइन सेगमेंट, अबाउट द लाइन सेगमेंट ऑफ ग्रेटर लेंथ। देखो हम ये बात सच है कि हमने सपोज करो हमारे पास दो लाइन सेगमेंट है और हमने उनको मेजर भी करा, पर उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आप बोलोगे कि इसमें एरर रहता ही है, हम ये नहीं बता सकते विच वन इज ग्रेटर, है ना। ये बात लगे कि दोनों की लेंथ सेम है, हमने उसको मेजर भी कर दिया, पर कहीं ना कहीं उसमें एक छोटा सा एरर रहता ही है, 0.1 का ही क्यों ना हो भले ही, तो उसी को ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। बट वी कैन नॉट श्योर, हम श्योर नहीं हो सकते, वो बात लगे कि दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है, देन वी कैन इजिली श्योर। पर इसमें हमें बेसिकली इसने पूछा कि डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज यही है कि लाइन सेगमेंट में कि वी कैन कंपेयर टू लाइन सेगमेंट ऑफ ऑलमोस्ट सेम लेंथ, बट वी कैन नॉट श्योर अबाउट द लाइन सेगमेंट ऑफ ग्रेटर लेंथ, ठीक है ना। जो ग्रेटर लेंथ का होगा हम उसको इजिली नहीं बता सकते, मेजर करना हमारे लिए एक बहुत ईजी है, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या है, इसमें डिसएडवांटेज है। इफ यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, द सेकेंड क्वेश्चन जो उसमें बोला गया है, हमें सेकेंड क्वेश्चन में बताया है व्हाई इज इट Why is it better to use a divider than a ruler? Than a ruler while measuring the length of a line segment? Why is it better to use divider than ruler while measuring the length of a line segment? अगर हम line segment को suppose करो measure कर रहे हैं, तो इसमें question में जो पूछा है कि जो divider है ये एक better use क्यों है in comparison of ruler, ये question में पूछ रहा है। तो देखो ये क्यों है better, ये सब आपको समझ में आना चाहिए कि ये बात सच है, हाँ it is better, आप इसका answer इस तरीके से लिख सकते हो, it is better to use a divider than a ruler because while using ruler, जब हम ruler का use कर रहे हो करते हैं तो positioning error आता है। positioning error मतलब आप समझते होंगे, जैसे suppose करो positioning error मतलब कमी, position मतलब उसकी position में कमी। suppose करो आप उसको थोड़ा सा भी tilt हो गया तो देखो पूरा स्केल अगर हल्का सा भी हिल गया, या रूलर जिसको बोलते हैं वो हल्का सा भी टिल्ट हो गया, तो आपके जो लेंथ का मेजरमेंट है वो गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, उसी को पोजीशन एरर आ सकता है। पर जो डिवाइडर होता है ये एक ही पॉइंट पे वर्क करता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट से और दूसरा पॉइंट हम उसके डिस्टेंस पर रूलर पे रख के मेजर कर लेते हैं। दैट्स व्हाई इट इज बेटर टू यूज द डिवाइडर इंस्टेड ऑफ रूलर। ओके, यहाँ तक होपफुली आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इट इज बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन रूलर बिकॉज व्हाइल यूजिंग रूलर पोजीशनिंग एरर अकर, अकर मतलब होना, इसके आगे भी लिख लेना अकर, ये होता ही है, ठीक है ना, ये हमारी आईज की मिस्टेक हो सकती है। फिर उसी के बाद अगर हम इसमें थर्ड वाले पार्ट में चले, इसी के आगे की तरफ मूव करें, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 3 आप अपनी बुक में दे सकते हो, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। तो वहां पर बोला गया कि ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट, draw any line segment, इसको थोड़ा सा डेड करके नोट कर रहा हूँ, आप अपनी बुक में देख लेना कि इसमें हमें बताना है AB equal to AC plus के CB। देखो इसमें क्या बोला है कि हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है AB, है ना। हमने सपोज करो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा AB, टेक एनी पॉइंट C लाइंग बिटवीन A एंड B। इफ यू आर ड्रॉइंग अ लाइन सेगमेंट AB, सपोज करो दिस इज लाइन सेगमेंट AB और इनके बीच में उसने क्या बोला, टेक एनी पॉइंट सी लाइंग बिटवीन, इन तो सपोज करो इन दोनों के बीच में एक पॉइंट लाई कर रहा है सी लाइंग बिटवीन ए एंड बी। फिर उसने बोला मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, फर्स्ट ऑफ ऑल विद द हेल्प ऑफ रूलर और डिवाइडर यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ ए बी। जो भी सपोज करो आपकी लेंथ आएगी आपने स्केल से मेजर करी, सपोज करो मैंने बोला कि 10 आई, आपके जो भी लेंथ आप ड्रॉ करोगे आप कितना भी मेजर कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, जरूरी नहीं है आपको 10 ही करना है, फ्रिक्वेंटली आपने मेजर ड्रॉ करनी है लाइन। फिर उसने बोला मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, चलो ठीक है हमने मेजर करा, सपोज करो 10 आ गया,
उसने बोला फिर उसके बाद आपने बीसी का भी मेजर करना है। मैंने बोला कि सपोज करो ये तो 4 आया, 4 सेंटीमीटर। फिर उसने बोला कि बीसी के साथ साथ आप एसी का भी मेजर करो, तो एसी ऑब्वियसली हमारे पास 6 बचेगा, क्योंकि ऊपर 10 में से 4 तो इधर चला गया, तो इधर हमारे पास कितना बचेगा, ये 6 बचेगा। तो आपने इसने क्वेश्चन में हमें बताना है कि AB जो है क्या वो AC इक्वल टू CB के है। हाँ बिल्कुल होगा, तो AB इक्वल टू AC, AC प्लस के CB के होगा, ठीक है ना। ये होगा बिकॉज जो AB है हमारे पास, AB की जो लेंथ है, यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं, AB जो आया हमारे पास ये 10 सेंटीमीटर है, और AC हमारे पास कितना है 6, और ये कितना है 4। तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 + 4, ये भी हमारे पास 10। तो आप बोलोगे इसमें कि भाई LHS हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो इसलिए दोनों क्या हो गए, हैंस वेरीफाइड। होपफुली आप लोगों को ये सब क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ में आ गया होगा। इसी के बाद जब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करते हैं, इफ यू मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला कि इफ ABC आर द 3 पॉइंट, इफ ABC आर 3 पॉइंट्स, हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स है ऑन अ लाइन, एक लाइन पर एक्ट कर रहे हैं, दैट, उसने डिस्टेंस भी बोला कि जो AB की लेंथ है हमारे पास वो 5 सेंटीमीटर दिया, और BC की जो लेंथ है वो कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर दिया, और AC कितना दिया हमारे पास 8 सेंटीमीटर दिया। दिस इज द गिवन डाटा। तो फिर उसने आगे बोला विच वन ऑफ दैम लाइज बिटवीन द अदर टू, विच वन ऑफ दैम लाइज बिटवीन द अदर टू। ओके क्वेश्चन, जो ABC है 3 पॉइंट है एक लाइन पर, सपोज करो इफ यू आर ड्रॉइंग अ लाइन, इन क्वेश्चन को आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली करोगे तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। इफ ABC आर द पॉइंट ऑन अ लाइन, सपोज करो AB, ठीक है, AB जो है हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर आपको रूलर की हेल्प से बना देना है। फिर उसके बाद B से लेके जब आप C तक जा रहे हो, सपोज करो दिस इज C पॉइंट, C जो है हमारे पास 3 है, थोड़ी सी लाइन एक्स्ट्रा हो गई है, इसको हटाना पड़ेगा। जब हम इसको यहाँ से बनाएंगे तो ये यहाँ तक ही आएगा, ठीक है। जब हमने ये कर लिया तो AB की लेंथ हमने 5 सेंटीमीटर बना दिया, BC भी हमने कितना बनाया 3, और AC हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इसमें बताया कि कौन सा पॉइंट किन दो पॉइंट के बीच में लाई करेगा, तो ऑब्वियसली हमें पता लग रहा है कि ए ए और सी हमारे पास दो पॉइंट है यहाँ पर, तुम देख भी पा रहे होंगे ए और सी, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि जो बी है, क्लियरली हमें पता लग रहा है, क्लियरली क्लियरली बी इज लाइंग, लाइंग मतलब उसके बीच में लाई कर रहा है, बी इज लाइंग बिटवीन, क्लियरली पॉइंट बी यू कैन राइट इन प्लेस ऑफ बी, पॉइंट बी इज लाइंग बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में हमारे पास कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, बी लाई कर रहा है। देखो ए इधर हो गया और सी इधर हो गया, इनके बीच में कौन सा पॉइंट लाई गया, सी वाला पॉइंट, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि बी पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है बिटवीन ए एंड सी। तो आप इसी तरीके से लिख सकते हो, कोई ज्यादा इसमें इश्यूज नहीं है, आप इसमें डायग्राम बना के दिखा सकते हो, ये जो मैंने बनाया इस तरीके से आपका आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। इफ यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, देन फाइन। क्वेश्चन नंबर 5, इफ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5, इसने बताया कि वेरीफाई यू हैव टू डू। देखो वेरीफाई करना थोड़ा इजी है, आप इसको थोड़ा सा समझना। वेरीफाई हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड मेक द डायग्राम ऑफ दिस फिगर, दिस इज द लाइन सेगमेंट 0, दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7, ठीक है ना। दिस इज द लाइन विच इज गिवन एंड द पॉइंट नेम, सॉरी A is given on the top of 1 and then B, C, D, E, F, G. Like this, the question is given. Zero पर हमें कुछ नहीं दिया उसने point. तो इसमें हमने बताने की जो D है, we have to prove D is the midpoint of AG. हमें AG का midpoint बताना है. D जो है, this is the point D, we have to tell this is the midpoint of AG, AG का midpoint हमें D बताना है। तो इसको देखो करने का एक easy तरीका है, इसको आपको पहले तो question को थोड़ा ध्यान से देखना है। देखो हमारे पास D तक जाने के लिए ये हमारे पास इसके इधर left hand side होती है,
दिस इज लेफ्ट हैंड साइड जिसको हम LHS बोल रहे हैं, और इधर हमारे पास राइट हैंड साइड है। इफ वी टॉक अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखो बच्चे, तो यहाँ से देखो ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक आपको कितना यूनिट मिला, एक यूनिट मिला। फिर बी से लेके सी तक कितना यूनिट मिला, वन यूनिट मिला। और सी से लेके डी तक हमें कितना यूनिट मिला, वन यूनिट मिला। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आप सब लोगों को? ये तो लेफ्ट हैंड साइड का आया। अगर राइट हैंड साइड की मैं बात करूँ, अब हम इधर की तरफ से चलते हैं, जिधर की तरफ मैंने एरो लगाया, जी से लेके अगर हम एफ की तरफ चले, जी एफ हमें कितना मिला, सेवन से लेके सिक्स तक आ रहे हैं, तो इनके बीच का जो गैप है वो 1 सेंटीमीटर का है, तो उसको हम वन यूनिट बोल रहे हैं यहाँ पर। और फिर एफ से लेके ई तक हमारे पास कितना है, एफ से लेके ई तक ये भी हमारे पास वन यूनिट है। और ई से लेके डी तक, ई से लेके डी तक ये भी हमारे पास कितना है, वन यूनिट है। तो हमने इन सबको इस तरीके से लिख लिया। अब देखो इन टोटल कितने यूनिट आए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, टोटल यूनिट कितना होगा ये हमारे पास, टोटल यूनिट हमारे पास कितना आया, 3 यूनिट आया। अब देखते हैं राइट हैंड साइड में भी हमारे पास टोटल यूनिट आते हैं नहीं आते हैं। तो हमने बोला कि 1+1+ ये भी हमारे पास टोटल यूनिट जो आया वो भी कितना आया हमारे पास, 3 यूनिट आया। तो इसी तरीके से आप मेरे को बता सकते हो कि यस, कि जो दोनों के जो बीच का गैप है ये दोनों का सेम आ रहा है दोनों की। तो LHS जो आ रही है हमारे पास, आप नीचे लिख लेना कि जो LHS आ रही है वो RHS के इक्वल है। ये करके आपको दिखाना है पूरा डिटेल में, उसी के बाद आप ये लिखना LHS इक्वल टू RHS। सो क्लियरली D is the मिड पॉइंट ऑफ AG, ठीक है ना। ये आप इसके नीचे की तरफ लिख देना, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो होपफुली आपको एक्सरसाइज पूरी समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 शायद बचा है, इसका देख लेते हैं एक बार। यस, क्वेश्चन नंबर 6 इज लेफ्ट, सो वेट, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी बचा है तो इसको भी कर लेते हैं। इसने बोला कि इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, एक AC लाइन है हमारे पास, सपोज दिस इज द AC एक लाइन सेगमेंट है, उसका जो मिड पॉइंट दिया दैट इज B, फिर C इज द मिड पॉइंट, C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। थोड़ा सा लाइन आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो C है वो BD का मिड पॉइंट है, तो आगे की तरफ ऐसे बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं, मैं थोड़ा दूसरे कलर से बना रहा हूँ इसको, ये D, तो हम बता पा रहे हैं कि जो D है, दिस इज द D, लेट मी डू इट अगेन, D, यस। तो जो C है ये हमारे पास BD का है, और B जो है वो AC का मिड पॉइंट है, ठीक है ना, मिड पॉइंट है। तो हमने बताना है इसमें, वेयर एज ABCD इज अ लाइन सेगमेंट, यस, A कोमा B और C और D, ये हमारे पास यह एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सही बात है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है एज यू सीइंग हियर। नाउ वी हैव टू प्रूफ AB इक्वल टू CD, वी हैव टू प्रूफ व्हाई AB जो है वो CD के इक्वल होगा, व्हाई, सो दिस वी हैव टू प्रूफ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल डूइंग दिस क्वेश्चन यू शुड नो अबाउट सम कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, सपोज हमारे पास कोई लाइन है, लाइन जब हमने बनाई, सपोज करो दिस इज द लाइन, एनी काइंड ऑफ लाइन। क्वेश्चन में आपको बोला कि जब आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ पर हमने कोई पॉइंट है सी, और ये पॉइंट है हमारे पास ए, और ये सपोज करो बी। ये एक थोड़ा सा समझने के लिए है, क्वेश्चन में आपको अलग तरीके से बताएंगे, तो थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो सी है, सी अगर ये हमारे पास क्या है, ये सपोज करो मिड पॉइंट बोला हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल दिया मिड पॉइंट। वैसे मिड पॉइंट का जो होता है काम, वो ये होता है कि जो AC है, सपोज करो जहां पर भी मिड पॉइंट बनेगा, जैसे C मिड पॉइंट बना, तो आप जब A से लेके C तक मेजर करोगे AC, और फिर B से लेके C तक जब मेजर करोगे BC, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। मतलब मिड पॉइंट जो लाइन होती है, लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यही वर्किंग होती है मिड पॉइंट की। मतलब उसका जो बीच वाला जो पॉइंट होता है, बिल्कुल ठीक मिड में जो होता है, दैट इज मिड पॉइंट। तो हम बोल सकते हैं एसी जो होगा वो किसके इक्वल आया, बीसी के। तो क्यों आया, ये भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है, बच्चे डायरेक्टली लिख देते हैं, पर नहीं,
जो एसी आया वो बीसी के इक्वल हुआ, क्योंकि जो ब्रैकेट में लिख देना है ऐसे लिखना एसी इक्वल टू बीसी और ब्रैकेट में लिख देना सी इज मिड पॉइंट। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हो एग्जाम में अपने कि सी क्या है हमारे पास यहाँ पे मिड पॉइंट है। ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। सी क्या है हमारे पास, एक मिड पॉइंट है। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि मिड पॉइंट की वर्किंग क्या होती है। फिर उसी के बाद इस क्वेश्चन में जैसे देखो हमें बोला कि जो ए बी है वो सी डी के इक्वल हमने प्रूफ कर देना है, तो प्रूफ कैसे करेंगे ये समझना है अब आपने। तो इसको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा देखना अभी। जब हम करेंगे यहाँ पर देखो बी मिड पॉइंट है किसका, ए सी का, क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा या सी बी के इक्वल होगा, कैसे भी लिख लेना कि होगा, क्योंकि बी इज द मिड पॉइंट, बी इज मिड पॉइंट, बी इज मिड पॉइंट लिख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है ना, फिर ऐसे ही आप जब इस वाले लाइन में आओगे बी सी, सी किसका मिड पॉइंट था हमारे पास, जो सी था वो हमारे पास बी डी का मिड पॉइंट था, तो आप बोल सकते हो कि यार यहाँ से जो हमारे पास आएगा सी हमारे पास किसका मिड पॉइंट है, बी डी का मिड पॉइंट है, तो आप बोलोगे कि इसको हम इक्वेशन नंबर ए मान रहे हैं, और यहाँ से जब बी सी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो है सी हमारे पास क्या है, सी इज मिड पॉइंट, सी इज मिड पॉइंट, सी क्या है हमारे पास मिड पॉइंट है, किसका है, बी डी का मिड पॉइंट है। आप आगे भी लिख सकते हो जैसे बी मिड पॉइंट था किसका था, यहाँ पे ए सी का था पहले वाली इक्वेशन में, और जो सी मिड पॉइंट है यहाँ पे किसका है, बी डी का है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो सी है वो मिड पॉइंट है किसका है, बी डी का है। तो देखो ये वाले सपोज करो हमारे पास बी इक्वेशन बनी। ठीक है, फिर इसके बाद आपने करना क्या है, बहुत सिंपल होता है, इसके बाद आपने हल्का सा माइंड लगाना है। जब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, एक बनी हमारे पास ए बी इक्वल टू बी सी, यस ये इक्वेशन बनी, इसको हम जो ये बी सी है इसको बी सी को मैं इधर लिख दे रहा हूँ और इक्वल टू लगा के, और जो ये सी डी है सी डी को मैं इधर की तरफ लिख दे रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किधर पे लिख सकते हो। यहाँ पर मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर भी बी सी है और नीचे भी बी सी है, दोनों एक ही साइड में आ गए। फिर जब हम दोनों को इस तरीके से लिख लेंगे तो हम बोलेंगे कि ये तो दोनों एक दूसरे के इक्वल आए, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये दो इक्वेशन जब हमारे पास इस तरीके से बन जाती है उसी को बोलते हैं कंपेरिजन, कंपेरिजन ऑफ इक्वेशन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, कंपेरिजन। कंपेरिजन करना बहुत जरूरी है, जब तक आप कंपेरिजन नहीं करोगे दोनों इक्वेशन, जब बी सी इक्वल टू बी सी हो गया तो सिमिलरली उसी साथ उसी के अकॉर्डिंग ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास सी डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास बी सी इक्वल टू बी सी हो गया सेम उसी तरीके से हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा। जब ए बी इक्वल टू सी डी हो गया यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था ए बी इक्वल टू सी डी। होपफुली आपको ये एक्सरसाइज पूरी समझ में आई होंगी, आप जो भी कोई प्रॉब्लम होगी आप मेरे को पूछ सकते हैं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।